हाँ जी सत श्री अकाल जी, वेलकम टू दी पंजाबी वॉन्डरर्स यूट्यूब चैनल। तो अभी बच रहे हैं सुबह के 7 और आज हम जा रहे हैं स्टोनहेंज, विंडसर कासल, बाथ शहर और रोमन बाथ से। यहाँ पे तो अभी मैंने एक बस टूर बुक कर लिया है, इट विल टेक दी होल डे। अभी सुबह के बज रहे हैं 7, तो ठंड है काफ़ी। मैं सुबह घर से निकला हूँ 5:30 बजे, मेट्रो लेके यहाँ पहुँचा हूँ विक्टोरिया स्टेशन पर, और यहाँ से बस चलती है। ये शायद 2 घंटे की राइड है, पहले शायद विंडसर कासल जाएंगे, फिर स्टोनहेंज जाएंगे, और फिर उसके बाद हम जाएंगे बाथ शहर और रोमन बाथ जो है। तो देखते हैं, इट विल टेक द होल डे, सो लेट्स सी हाउ द डे गोज। So we ask you not to bring hot drinks or hot food onto the coach. Also, for the purposes of the tour, I have to come. I sat on the same toilet in my sister's house. I decided never to sit on that toilet ever again, just in case I killed anybody else. Well, guys, since Michael Jackson passed away, it's 14 years. Pretty beautiful buildings in this city. In fact, I go so far as to some of the most beautiful, known locally as the Aventim Apollo now after its. So, yaar, hamara pehla stop aa gaya hai, Windsor Castle. Wo bus khadi hamari. और ये भाई इतने जिंदा है, मुझे पसंद नहीं है टूर, बट चलो फ्री मिल रहा था मेरे को तो मैं ले लिया। तो ये चढ़ के आए इधर, कोई स्टेशन है अच्छा, ये कासल पीछे हो रही है। अरे इतनी बड़ी दिक्कत रही है। Okay, if you turn yourselves round, there's a big thank you. Okay, Devang Sethi. Yeah. Just you, sir. Yes. यार अभी इसकी एंट्री शुरू होती है 9:45 बजे और इसने बोला है 11 बजे तक वापस चले जाना है कासल देख के, तो 1 घंटा ही है। काफ़ी इंटरेस्टिंग है यहाँ पे, जो अपनी क्वीन अभी जिनकी डेथ हुई थी उनकी रेस्टिंग प्लेस भी इधर अंदर ही है सामने वो चैपल में, और बाकी बहुत सारी चीज़ें बात करेंगे अंदर जाके, पर है 1 घंटा तो है ही भाई। बहुत लंबी लाइन है और गेट एग्जैक्टली 9:45 पे खुलते हैं। अभी गेट खुला, अभी सिक्योरिटी चेक होगा और फिर जाएंगे अंदर कासल में। हाँ जी, इधर सिक्योरिटी चेक के बाद हम अंदर घुस गए अब कासल के, और सैडली अंदर कहीं पे भी वीडियो फोटोज लेना अलाउड नहीं है। मतलब अगर आप छत के नीचे हो किसी भी, तो वहाँ पे फोटो अलाउड नहीं है, वीडियो अलाउड नहीं है। तो देखता हूँ जितना पॉसिबल हो सकेगा दिखाऊंगा आपको, अदरवाइज बता दूंगा क्या देखा मैंने, तो मेरी बात पर विश्वास कर लेना। तो काफ़ी बड़ी कासल है, ख़त्म ही नहीं होनी प्यारी। तो ये एक्चुअली दुनिया की सबसे पुरानी कासल है जहाँ पे लोग अभी भी रहते हैं, जो रॉयल फैमिली है वो यहाँ पे रहती है कभी कभी आके, नॉट ऑलवेज। तो उसके लिए एक झंडा होता है यहाँ पे, कहाँ है वो झंडा ढूंढना पड़ेगा, कि वो झंडा जब वो दो मतलब वो सिग्नल होता है कि किंग है अभी कासल में कि नहीं है। ये रॉयल फैमिली लग रही है भाई, अंदर खेल रही है वो कुत्ते के साथ। तो यहाँ पे काफ़ी कुछ है देखने को, लेकिन उनमें से जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं वो पहली तो ये है, तो ये क्वीन की रेस्टिंग प्लेस है, तो उनकी बॉडी यहीं पड़ी अब तो, लेकिन अंदर शायद अलाउड नहीं होगा कैमरा, तो बार बार से। और भाई यहाँ से बड़े जहाज जाते हैं ऊपर, ये रुको दिखाता हूँ। यार यहाँ पे ना बहुत ज़्यादा जहाज उड़ते हैं, मतलब रॉयल फैमिली के सर के ऊपर से, थोड़ा रिस्की है वैसे तो, एयर स्पेस अगर ओपन है तो, आई डोंट नो क्यों। तो यार जो चैपल था बहुत सुंदर था अंदर से, मतलब काफ़ी सुंदर। मैंने बहुत सारे चर्चेज और चैपल्स देखे हैं, लेकिन ये काफ़ी सुंदर था, और अंदर मतलब बहुत सारे रॉयल्स की ग्रेव्स थी, जो पुराने रॉयल्स थे ना उनकी ग्रेव्स के ऊपर ऐसे उनकी जैसे मूर्ति बनी हुई है, जैसे लिटा रखी है बॉडी और उसके ऊपर जो मूर्ति है उनकी शेप की, उनकी शक्ल की बना रखी है। लेकिन जो एलिजाबेथ II की ग्रेव थी वो बिल्कुल नॉर्मल सी, मिनिमलिस्टिक सी, कुछ भी ज़्यादा शंगन वंगन नहीं की तसी होते थे, मतलब नो फ्रिल्स। और बाकी चैपल बहुत सुंदर था, अच्छा लगा देख के। और अभी हम जा रहे हैं स्टेट अपार्टमेंट्स देखने, तो स्टेट अपार्टमेंट्स में मतलब शायद 150 कमरे हैं इनके, और अंदर फिर से कैमरा अलाउड नहीं होगा, तो मैं आपको बताता हूँ अंदर कि ये है स्टेट अपार्टमेंट्स। ठंड बढ़िया।
तो यार अंदर एक तो स्टेट अपार्टमेंट से मतलब कि उससे पहले डॉल हाउस है, डॉल हाउस का मतलब हो गया कि सब कुछ मिनिएचर फॉर्म में। उन्होंने पूरा का पूरा जो महल है, पूरा का पूरा जो कासल है अंदर, किंग का रूम, क्वीन का रूम, उसका बाथरूम और ये सब उसका बनाया मिनिएचर। तो मैं मतलब ये वहाँ लिखा था कि इतना डिटेल्ड है कि इवन जो टैप्स हैं उनमें पानी भी आता है और बिजली वगैरह सब कुछ है। मैंने उसमें देखा कि भाई जो क्वीन और किंग का जो क्वीन और किंग का टॉयलेट है वो कैसा होता है, तो मतलब वो भी नॉर्मल था, ऐसे कोई सोने की सीट नहीं लगी थी वहाँ पे भी, तो नॉर्मली था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये उसके बारे में कि उसको बनाया है एडवर्ड ल्यूटेंस ने, जिसने कि अपनी पुरानी जो पार्लियामेंट वाला पूरा जो बनाया था एरिया, सेम आर्किटेक्ट ने वो जो मिनिएचर बना के गिफ्ट किया क्वीन को। उसके बाद ये अपार्टमेंट्स में मतलब बहुत सारे कमरे हैं, वही हमने जैसे हमने पैलेस ऑफ वर्साए देखा था पेरिस में, उससे थोड़ा सा अच्छा लगा मुझे, ज़्यादा पॉलिश, ज़्यादा रॉयल, ज़्यादा यू नो अमीर पॉश फील आ रही थी अंदर। और अंदर एक रूम में ना गिफ्ट पड़े थे, जो भी क्वीन को या किंग्स को गिफ्ट दिए हैं पहले, तो इंडिया से भी गिफ्ट पड़े थे उसमें। एक तो गोल्डन शेर का मुंह था, महात्मा गांधी की फ़ोटो थी, एक तलवारें वगैरह थी, तो काफ़ी कुछ गिफ्ट्स वगैरह भी थे। अब टाइम हो गया यहाँ पे किंग्स का क्या बोलते हैं चेंज ऑफ गार्ड होता है, तो चेंज ऑफ गार्ड के वक्त जो कासल की दरवाजे बंद हो जाते हैं, तो हमें बताया था हमारे गाइड ने कि भाई तुम पहले आ जाना बाहर, क्योंकि 10:45 बजे दरवाजे बंद हो जाएंगे। और ये रोज़ नहीं होता चेंज ऑफ गार्ड, आज है तो लकीली आज है। अभी फटाफट से हम बाहर निकल जाते हैं, हम वो जो पूरा बैंड आएगा उसको देखेंगे बाहर से भी, लेकिन चेंज ऑफ गार्ड अंदर होता है तो वो नहीं देख पाएंगे, क्योंकि अगर वो देखा तो मेरी बस निकल जाएगी, बस निकल गई तो फिर आगे स्टोनहेंज बात वात कुछ देख नहीं पाएंगे। तो फटाफट से अभी एग्ज़िट करते हैं, ये हम पूरा घूम के आ गए। और इधर था अपना वो अपार्टमेंट्स ये वो, तो यहाँ से एग्ज़िट है बाहर। हम यार लिटरली मैंने एक घंटे के अंदर 10 जहाज तो मैंने ही सुन लिए, पता नहीं कैसे रहते ये रॉयल फैमिली यहाँ पे, इतना शोर है मतलब एक राजे की इतनी पावर नहीं है कि वो एयर रूट चेंज करा दे, हर एक मिनट में एक जहाज निकल रहा है, हर एक मिनट में। वैसे तो महंगा है, तकरीबन 18,000 का टूर है ये, लेकिन मेरे को फ्री मिला है, बताऊँगा आपको मैं कैसे मिला है फ्री। सो यहाँ से अभी पूरा बैंड आएगा और यहाँ पे सब कुछ होगा, प्रोग्राम यहाँ पे होगा। ये लोग खड़े हो रहे हैं, लेकिन क्योंकि हमारी बस निकल जाएगी तो हमें बाहर जाना पड़ रहा है। अभी बाहर से देखेंगे हम सिपाही आते हुए, क्योंकि ये गेट बंद हो जाएगा बाद में। एक इंटरेस्टिंग चीज़ एक और है, जो पीछे मेरे खड़े हैं गार्ड खड़े हैं पुलिस वाले, इनके पास शूट ऑन साइड का ऑर्डर है, कि मतलब ऐसे कोई वार्निंग नहीं देनी है इनको, लगता है कि कुछ तो दिक्कत कर रहे हैं तो ये सीधे गोली मार देते हैं, तो गोली नहीं खानी अपने को। यहाँ खड़े होते हैं हम, इधर से आएंगे वो, तो देखते हैं अच्छा स्पॉट ढूंढते हैं। तो ये देखो अभी टाइम हो रहा है इसका बैंड का आने का, तो ये गेट बंद हो जाएगा, अब यहाँ से बाहर निकलने नहीं देंगे, इसलिए पहले बाहर आ गए, तो इधर से आएंगे। सालों ने लेट कर दिया, अभी मेरी बस भागने मतलब मैं भाग भाग के पकड़ूंगा, निकल ना जाए भाई। 10:58 हो गए हैं, 10:58 दो मिनट रह गए, बच गए, खड़ी आले बस थी। आए नक लाल हो गया ना मेरा, ठंड बड़ी है भरावा, बहुत ठंड है, और खड़ी बस अपनी। Yes, tragic character. We do have more about her later because she is an integral part of why we go to Bath today.
but she started the first race here. It was called Her Majesty's Plum. हाँ जी यार, आ गए हम अपनी अगली डेस्टिनेशन पे स्टोनहेंज। भाई पटे दे दे के ना मेरी बाँ भरती है ना ने, मतलब हर जगह पे दे देते हैं बैंड एंट्री के लिए टिकट है। तो ये सामने पार्किंग है और उधर जाके स्टोनहेंज, जब बात करेंगे इसके बारे में डिटेल में। देखते रहिए वीडियो को। तो ये है एंट्री, इसकी भी टिकट शायद 20-25 पाउंड है, लेकिन मेरा सब कुछ टूर के अंदर ही है। तो मैंने टूर के दिए हैं 170 पाउंड, 17,000 रुपये। सुसु कर लेते हैं पहले। आ कि पेंड बसाया लोगों ने, ये कि गार्ड अभी अच्छा। हाँ चलो इसके बारे में बात भी करते हैं बात आके ना, पहले बस लेके फटाफट स्टोन है जाते हैं। यहाँ से बस लेनी पड़ती है और बस में बैठ, भाई बहुत हवा चल रही है, मुझे आइसलैंड याद आ गया। देखिए आपने मेरी आइसलैंड की वीडियोस, नहीं देखी ना, देखो जाके फटाफट अभी, मतलब इस वीडियो के बाद। तो यार ये रहा स्टोनहेंज। हेंज का मतलब होता है कि कुछ भी स्ट्रक्चर जो ऐसे राउंड शेप में हो और ऐसे खड़ा आ जाए, लकड़ी के पिलर हो या स्टोन के पिलर हो, इसका नाम इसलिए स्टोनहेंज क्योंकि ये स्टोन के पिलर है। बाकी यार देखिए आसपास सारा का सारा घास, बढ़िया ग्रासलैंड्स हैं। और हमारे जो गाइड ने बताया हमें कि पहले यहाँ पे लोग पिकनिक मनाना भी अलाउड था लोगों को, लाइक वहाँ पे जाके बैठ सकते हो आप अंदर स्टोनहेंज के अंदर जाके। लेकिन फिर अपने जैसे होते हैं कुछ लोग शरारती तत्व, वो यहाँ भी थे, उन्होंने कर दिया काम, कुछ कुछ तोड़ फोड़ दिया, ग्राफिटी बना दी, तो फिर बंद कर दिया। अब देखिए ये फेंस लगी है और गाड़ियाँ पता नहीं कहाँ दूर जाके पार्क होती हैं। यार कैंपर वैन भी खड़ी हैं, साबी पाजी आ जाओ इतने कैंपर वैन लेके। तो सब ने करा ली अपनी अपनी फ़ोटोएँ। तो यार अब बात कर लेते हैं कि ये चीज़ है क्या। कुछ लोग बोलते हैं कि ये टेंपल है सूर्य देवता का, कुछ लोग बोलते हैं कि यहाँ पे होते थे सेक्रीफाइस एनिमल्स के या फिर आदमियों के भी होते थे। तो कुछ लोग बोलते हैं कि सन क्लॉक है, क्योंकि वो कुछ यहाँ पे सीन है कि समर सॉल स्टाइल्स में सूरज वहाँ डूबता है और ऐसा कुछ तो बताते हैं कुछ फंडे। पता किसी को भी नहीं है कि है क्या, सब स्पेकुलेशन हैं। अगर आप मेघालय गए, मतलब मैं मेघालय गया था आज से 10-12 साल पहले, तो वहाँ पे भी कहीं जंगल में जाके ऐसे बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं, वहाँ पे बताया था लोगों ने कि सेक्रीफाइस ही देते थे यहाँ पे लोगों का। तो मेरे ख्याल से सेक्रीफाइस ही होना चाहिए यहाँ पे भी। ये बना था तकरीबन 5,000 साल पहले, तो ये मतलब वंडर ऑफ द वर्ल्ड नहीं है, यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट है। और अभी ये जो आप देख रहे हैं रोड, तो पता नहीं बता रहा था मैं गाइड की, अभी एक प्रपोज टनल है, इसके नीचे से जाएगी टनल। तो यूनेस्को ने वॉर्न किया है कि अगर हम टनल बना दी आप नीचे से, तो हम इसको जो उसका स्टेटस है वर्ल्ड हेरिटेज साइट का, वो छीन लेंगे इससे। बाकी मतलब बस पत्थर, मतलब ये अकेला नहीं है, यहाँ पे इस इलाके में और भी हेंज हैं, ये एक है सबसे फेमस है। और इसकी फीस है 20 पाउंड, ठीक है हमने तो चलो फ्री में ही अपना। इसका एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये भी है कि यार मतलब ये जो पत्थर हैं कितने बड़े बड़े पत्थर हैं, और तकरीबन बताया जाता है कि ये तकरीबन 25 किलोमीटर दूर से लेके आए हैं, मतलब सिमिलर जैसे माचू पिचू है, पिरामिड्स है। तो ये रहस्य ही है कि कैसे लेके आए थे इन पत्थरों को, ये रहस्य ही रहेगा हमेशा। तो इसका मतलब आजू बाजू पेरीफेरी पे एक गोल चक्कर बना हुआ है, परिक्रमा कर सकते हो इसकी आप। बट जस्ट इमेजिन जब पहले टाइम में यहाँ पे आप पिकनिक मना सकते हो अंदर बैठ के उसमें। अगर आपको ध्यान होगा जब हम बोलीविया में थे इस्ला डेल सोल में, तो वहाँ पे भी एक इनका साइट थी, उसके अंदर बैठ के हमने पिकनिक मनाई थी, क्योंकि वो अभी इतनी फेमस नहीं हुई थी। तो जो चीज़ फेमस हो जाती है वो लोग ख़राब कर देते हैं और फिर मतलब अंदर जाना अलाउड नहीं रहता। हमारे भी हम्पी में भी लोगों ने काफ़ी गंद मचाया था, वो तो वीडियोस भी हो, तो अभी रिसेंटली वीडियोस है, तो पीपल नीड टू बिहेव। तो देखिए इसमें कुछ छोटे पत्थर हैं, कुछ बड़े पत्थर हैं, तो ये सब डिफरेंट टाइम पीरियड के हैं। सबसे पहले छोटे पत्थर आए थे, सबसे एंड में ये बड़े वाले पत्थर आए, जो ये सबसे बड़े बड़े पत्थर हैं ये एंड में आए। भाई उठा के ऊपर रखना इतना बड़ा पत्थर। तो हाँ जी, तो वापस आ गए हम बस लेके वही वाली। तो एक्चुअली यू कैन वॉक ऑल्सो, लेकिन तकरीबन 1.5-2 किलोमीटर की वॉक है, तो उससे अच्छा है कि मतलब बस ले लो। आई डोंट नो कि टिकट उसकी बस की, मेरे ख्याल से एंट्री टिकट बस की, मेरे ख्याल जो टिकट होगी वो बस की अलग है और एंट्री टिकट अलग है, थोड़ी सी होगी, आई डोंट नो, 2-3 पाउंड। और ये अब देखते हैं जो हम छोड़ गए थे पहले, मिट्टी के घर, मेरे ख्याल से वहाँ
तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि ऐसे घर होते होंगे, पीछे क्वेश्चन मार्क। तो ये रिक्रिएशन है, जिन लोगों ने घर बनाया हुआ स्टोन है, जो उनके घर ऐसे होते होंगे ऐसा। अंदर जाके देखिए, आप पता है यार इथियोपिया में देख लेना इतने घर, छोटी छोटी झोपड़ियाँ, पता नहीं किया है। चलो अच्छा, तो ये रियल नहीं है, रेप्लिका है स्टोन का। तो सबसे बड़ा जो स्टोन उसमें लगा है, स्टोन हेंज में, उसका रेप्लिका बना के यहाँ रखा हुआ है इन्होंने, बताने के लिए कि साइज कितना है। ये देखिए कि आदमी खड़ा है एक, और ये बताना पड़ता है लोगों को, नो क्लाइंबिंग। सीरियसली मैंने देखा भाई, लोग चढ़ जाते हैं कहीं पे भी, यहाँ पे भी ऐसे ही लोग हैं जैसे अपने इंडिया में। ये मेरे ख्याल से जैसे इंटरलॉकिंग सिस्टम नहीं होता, जैसे कि एक में खड्डा और एक में वो मेल फीमेल वाला हिसाब किताब। चलो यार बहुत हो गया, चलते हैं वापस। We're at the southern end of an area known as the Cotswolds, as the Baedeker Blitz. Bath was one of those cities alongside Exeter, Norwich, York and Canterbury. And it suffered two nights of bombing. Three massive bombing architecture was saved. These bungalows to your right were actually built for veterans coming back from World War II. ये देखो यार, ये होता है टूर में ना, मतलब उसको फॉलो करते रहो बस झंडे को। चलो कभी कभी टूर कर लेना चाहिए। अभी हम पहुंच गए बाथ शहर में। बाथ में यहाँ रोमन बाथ्स भी हैं, वैसे शहर का नाम भी बाथ है। काफी खूबसूरत शहर है ये, जो इलाका है ना कॉट्सवोल्ड, बहुत ही सुंदर है। यहाँ पे दोबारा आएंगे हम, जो सीसी है वो यहीं रहती है, तो उसके घर पे आएंगे कभी। तो यहाँ पे क्रिसमस मार्केट भी लगी हुई है, अभी हम जा रहे हैं बाथ में ही। तो जब तक बाहर आएंगे तब तक शायद अंधेरा हो जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी 3 बज चुके हैं। तैर अंदर आ गए हम अभी रोमन बाथ के, और यहाँ पे जो ऑडियो गाइड है, जैसे फ़ोन सा दे दिया, ये फ्री में ही है, और इसमें बताता रहेगा मुझे क्या क्या है, क्या मतलब देखना है क्या नहीं देखना, बट ये है मतलब ऑल इन ऑल। लेकिन ये पानी अभी इतना साफ़ नहीं है, गंदा सा है, तो गाइड ने बोला है कि भाई इसमें मतलब हाथ हाथ मत लगाना, गंदा पानी है। दिख भी रहा है गंदा पानी है। तो यार इसकी कहानी ऐसे है कि ये थर्मल मतलब नेचुरल वाटर ही था पहले, था मतलब, फिर जब रोमन्स आ गए तो उन्होंने फिर ये बाथ्स बना दिए, लेकिन अभी ये यूज़ में नहीं है। तो यहाँ पे ये स्ट्रक्चर्स वगैरह तो हैं, स्टैचूज वगैरह तो हैं रोमन्स के। यार ये अच्छा फ्रेम बनेगा ना, तो वहाँ से फ़ोटो खींचते हैं। बड़ा सही इलाका यार ये पूरा कॉट्सवोल्ड, बाहर इतने अच्छे अच्छे व्यूज़ थे, मतलब वो मोटी बैठ गई मेरे बाजू में आके, तो मेरी खिड़की वाली सीट छीन ली उसने, तो मैं बना नहीं पाया वीडियोस, लेकिन काफ़ी सुंदर है, तो दोबारा ज़रूर आएंगे। अभी भाई अंदर आए यहाँ पे, तो यहाँ तो बदबूदार पानी है, मतलब वही हॉट स्प्रिंग वाला जो सल्फर वाली स्मेल होती है, वो स्टैग्नेंट सा है यहाँ पे, तो बहुत ज़्यादा बदबू है। आगे जाके एक हॉट स्प्रिंग है, वहाँ चलते हैं। लो जी नीचे भी आ गए, तो थोड़ा थोड़ा गर्म तो है पानी, मतलब आई कैन फील द हीट, फील द हीट, लेकिन काफ़ी गंदगी। चलो जी हो गया काम, दैट्स इट, यही था रोमन बाथ्स में। अरे वो देखो सामने टूरिस्टी थिंग्स, फोटो खिंचाओ पैसे देके। तो बहुत ही सुंदर शहर है ये, बाहर आ गए हम रोमन बाथ से, तो थोड़ा सा देखते हैं शहर, घूमते हैं और खाना वाना खा के मैं। हाँ अच्छा, यहीं से हमने एंट्री करी थी ये वाली जगह से, तो यहीं पे क्रिसमस मार्केट भी थी। काफ़ी भूख लगी है, कुछ खा के फिर बस वापस निकलेंगे, आज का टूर ख़त्म हो जाएगा।
तो यार काफ़ी सुंदर सा शहर है ये, थोड़ा घूम रहा हूँ मैं। खाना मैंने खा लिया, बर्गर खाया, हिरन का मीट खाया मैंने, तो मैंने दिखाया नहीं वीडियो में बिकॉज़ काफ़ी लोग खाना खाते हुए देख रहे होते हैं और जो वेजिटेरियन लोग होते हैं वो पसंद नहीं करते ये सब। तो अभी बस हमारा जाने का वक्त आ गया, वापस यहाँ से बस लेंगे और वापस जाएंगे लंदन। आधा घंटा बचा है अभी, बस अंधेरा होने वाला है। तो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को और आई होप आपको पसंद आई होगी। मैंने ये टूर लिया था 170 पाउंड का और वो कोलैबोरेशन थी मेरी उस ऐप के साथ, तो इसलिए मेरे को फ्री मिल गया। अगर आपको लेना तो आपको खर्च करने पड़ेंगे 170 पाउंड, सो यू कैन सी इफ़ इट्स वर्थ और नॉट। सो ख़त्म करते हैं इस वीडियो को, आई सी यू इन द नेक्स्ट वन। टिल देन गुड बाय।